तो बाबा अल्लाह तक चले गए। अब यहाँ लल्ला खूब रोने लगो, जैसे भगवान गए तो लोग खूब रोने लगो। अब वो तो किसी जो कोई भी आए चुप कराए, वो चुप ही होगी नहीं। तो एक बच्चा दौड़ी दौड़ी आई, बोले मैया क्या हो गया, लल्ला बहुत रो रहा। बोले पता नहीं क्या बताओ मैं, ये आज सुबह से बहुत रो रहा है, अभी तक तो ठीक था। बोले ये बता किसी की नजर तो नहीं लगी। बोले नहीं नजर तो किसी की नहीं लगी। बोले यादगार कोई आया है कि नहीं। बोले ये तो फलना में सोता रहा, नजर कैसी लग सकती। हाँ लेकिन एक बात है, एक बाबा आए थे कोई। बोले बाबा। बोले हाँ, वो कह रहे थे दर्शन करा दो, दर्शन करा दो, हमने नहीं करा। बोले ऐसा लगता है कि वही बाबा ने नजर उतारा दी। अब जल्दी करो कि राय रूल लेकर उसकी नजर उतार लो। बोले कहाँ है बाबा। बोले बाबा तो चले गए। बोले भाग कर नीचे दौड़ लगा, और जहाँ भी बाबा मिले बाबा को वापस लेकर आओ। आज गोपी जाती है दौड़कर भगवान शंकर जी से कहते हैं, बाबा मैया ने याद किया है, चलो। बोले हम नहीं जाएंगे। बोले चलो बाबा। बोले अल्लाह बहुत रो रहा है। बोले ये बता कि यशोदा से पहले पूछ कर आ कि वो लल्ला के दर्शन कराएंगे कि नहीं। तो बोले अवश्य ही लल्ला के दर्शन कराएंगे। गए हैं मेरे बाबा शंकर जी। चल रे योगी नंद भवन में तुम्हें यशोधा माए बुलायो, अरवा के लाला को नजर लगी है राई लो निकरा। अब जैसे ही मेरे बाबा शंकर जी गए और लल्ला को जब ले लिया तो लल्ला की लीला कर हंस दिए, और जब ये यशोदा मां ले ली तो रोने लगे। अब तो बहुत परेशान हो गए। बोले बाबा ये क्या हो गया। बोले मैं गोद में ले लेती हूँ तो रोने लगता है, और आप गोद में ले लेते हो तो ये हंसने लगता है, ऐसा क्यों। तो बोली बोले ऐसा आशीर्वाद दीजो बाबा कि मैं गोद में ले लूं तो ये रोए नहीं। तो बोले एक शर्त है। बोले कौन सी। बोले पहले आप ये कहो मुझे, ये वचन दो कि आप अपने दरवाजे के सामने मेरा एक मंदिर बनवाओगे, और मंदिर भी ऐसा हो जहाँ पर मेरे गोपाल जी को नहलाओ तो उनका चारा मृत मेरे ऊपर गिरना चाहिए। बोले ठीक है मैं बनवा दूंगी, और मंदिर बनवा दिया। वहीं से मेरे बाबा का नंद नंदेश्वर भगवान नाम पड़ जाता है। बोलिए नंद नंदेश्वर भगवान की, शंकर भगवान।